जैसा कि आप देख सकते हैं IFMS के स्टूडेंट्स हैं, ये सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनकी तरफ से यहाँ पर सैनिटरी पैड वितरण किया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं जो अभी भी इस समय में भी यहाँ, जी हाँ 2022 है, 2022 में भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो कपड़ा इस्तेमाल करती है महामारी के दिनों में, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, उससे इन्फेक्शन हो जाता है। और नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम विहार के ब्लॉक के MCD स्कूल में, और यहाँ पर IFMS के स्टूडेंट्स हमारे पीछे आप देख सकते हैं, सभी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनकी तरफ से यहाँ पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए आज एक आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाओं को महामारी के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कपड़े का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस चीज़ के लिए जागरूक किया गया, जिसमें कई सारी महिलाएँ शामिल हुई, कई सारी बच्चियाँ भी थी, जो कि अभी अभी हम आपको दिखाएंगे कि कितनी महिलाएं और कितनी बच्चियां यहां पर खड़ी हैं, और उनको सभी को यहां पर पूरे के पूरे महीने के लिए इस्तेमाल के लिए फ्री में सैनिटरी पैड्स बांटे गए हैं मेडिकल स्टूडेंट्स की तरफ से। तो मैं इन्हीं से बात करना चाहूंगी कि क्या इन्होंने ये सब पहली बार किया है, क्या ये भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे, क्या ये अलग अलग जगह पर ऐसे जाके करेंगे या फिर सिर्फ यहीं पर किया है। तो लोग बताइए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम साइमा है। अच्छा, आप लोगों ने ये ऐसा कैसे, आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारी काम करती रहती है आए दिन, तो अभी कोविड की वजह से सब कुछ बंद था तो हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, और अभी जब हमें मौका मिला है तो हमने सोचा कि ये सबसे, जो आप मान लो कि एक बहुत ही अछूत चीज़, बहुत ही जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, हमने सोचा सबसे ज़्यादा जो हम ज़रूरत है कि लोगों को सबसे ज़्यादा इस बारे में पता चले वो था मेंस्ट्रुअल हाइजीन। डैट इज़ जो आज हमारा आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन दिवस है, कल उसके बारे में बात करनी थी, और ये ऐसे इवेंट्स हम करते रहते हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। ये एक जगह थी, अभी हम और सारी जगह, हमारा एक इवेंट और होने वाला है इस पर जो दूसरी जगह पर होगा। क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने महिलाओं को चुना है, महिलाओं को जागरूक करने के लिए पीरियड्स में क्या करना चाहिए, महामारी के दिनों में किस तरीके से कपड़ा इस्तेमाल, खराबी हो सकती है कपड़े के इस्तेमाल से, परेशानी हो सकती है, संक्रमण हो सकता है, सैनिटरी पैड कितना ज़रूरी है, क्या ये पहली बार हुआ है या फिर पहले भी इस तरह के आयोजन हो चुके हैं आपके? हम लोग ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन कर रहे थे, कोविड की वजह से हम कहीं जा नहीं पा रहे थे, बट एक चीज़ का फिर एहसास हुआ कि हम ऑनलाइन हर चीज़ को नहीं कर सकते, जैसे हम इन लोगों के सबके पास इंटरनेट, ये कनेक्शन अभी सबके पास अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से हमने कोशिश यही की कि ऑनलाइन की जगह इस बार ऑफलाइन। और संगम विहार सबसे बड़ा स्लम माना जाता है पूरे इंडिया में, एक वन ऑफ दी सबसे बड़ा स्लम बोला जाता है इसमें कि, तो इस वजह से हमने सोचा सबसे पहले संगम विहार जो हमारे कॉलेज के भी करीब था, तो हमने सोचा पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब इरादा यही है कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएं, गवर्नमेंट स्कूल्स के बाद और दूसरी जो एरियाज़ हैं जैसे खदरपुर है और सारी जितनी जगह हैं वहाँ पे जाने के लिए। एक और बात मैं जानना चाहूँगी, आप मुझे बताइए कि आज महिलाओं को जागरूक किया गया है, भविष्य में अगर आप इस तरह का कोई आयोजन करती हैं तो उसमें किस मुद्दे पर आप ये काम करना चाहेंगी? सबसे पहली बात है कि हम जो हाइजीन है, जो एक साफ़ सफाई है, उसी बारे में हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आजकल यही हो रहा है कि जो थोड़ा बैकवर्ड एरिया है या फिर जो जानते भी है वो भी नहीं करते, किसी इस चीज़ को बहुत बैकवर्ड मानते हैं कि नहीं, ये चीज़ नहीं करेंगे तो ये परिवार में नहीं होता है, हमारे पहले से परिवार में चला आ रहा है तो हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे, आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। सबसे पहली बात है कि साफ़ सफाई, हमें इस चीज़ की हाइजीन रखना है, अपने आप को हाइजीन रखना है, अपनी चीज़ों को हाइजेनिक रखना है, तो इसी चीज़ पे हम आगे इस चीज़ को जागरूक भी करेंगे लोगों को इस चीज़ के लिए, और इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे भी। तो हर बार आप लोग महामारी के बारे में ही बातचीत करेंगे, इसके अलावा और भी बहुत सी समस्याएं होती हैं महिलाओं को, क्या उन समस्याओं पर बातचीत नहीं की जाएगी? उन समस्याओं पर बातचीत की जाएगी, बट ये बात बहुत बेसिक है और इससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, मतलब ये तो, और इतनी इसके बारे में स्टिग्मा है कि ये हमें लगा कि इसी से शुरू करना चाहिए, इसके बाद हम और चीज़ों से भी करेंगे। आज मैं जानना चाहूँगी, पीछे और भी हमारे साथ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी कि आप लोग मुझे बताइए कि आज कितने लोग शामिल हुए आपके इस आयोजन में? आज हमारे साथ बहुत सारे लोग शामिल हुए, हमने कई हज़ार जिंदगियां छुई हैं यहाँ पर, और आपके ज़रिए भी हम लोगों को और प्रोत्साहन करेंगे कि वो आए हमारे साथ, और वो बेसिक के लिए हम जागरूक करना चाहते हैं लोगों को, जितना हमसे जुड़ेंगे वो जितना चीज़ों के बारे में समझेंगे उतना चीज़ों के दुष्प्रभावों से बचे रहेंगे। आज आपने एक महीने के, लगभग एक महीने के इस्तेमाल के लिए आप लोगों ने फ्री में सैनिटरी पैड्स लोगों को दिए हैं, तो क्या लगता है इस महीने तो वो इस्तेमाल करेंगे, अगले महीने क्या वो दुकान से खरीद कर लाकर इस्तेमाल करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है पैड यूज़ करना,
मुझे लगता है वो अगली बार भी यही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने आज बहुत अच्छा डेमो किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई पैड के बारे में, और हमने डिसएडवांटेजेस बताए कपड़ा यूज़ करने के लिए, तो मुझे लगता है वो अगली बार पैड खरीदेंगे। मुझे क्या लगता है कि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि अगर फ्री में मिल रहा हो तो लोग यूज़ कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वही चीज़ खरीद कर इस्तेमाल करनी पड़े तो लोग इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो इस पर आप क्या कहना चाहते? हाँ मैम, तो IFMS की सिर्फ एक यही बहुत इंपॉर्टेंट जो थी, जो आज हमारा पॉइंट था, यही था कि एक बार फ्री में उनको आदत डलवा दे, एक बार उनको यूज़ का बता दे कि किस तरह से होता है, क्या होता है, तो अगली बार से वो लेना भी शुरू कर देंगे। तभी हमने आज इस भारी मात्रा में ये बांटे हैं, जैसे उनको एक आदत पड़े फ्री के ज़रिए, फिर वो लेना धीरे धीरे उनके रोज में ये एसेंशियल नीड में आ जाएगा ये चीज। आपके ही एक साथी ने कहा कि ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है संगम बिहार, तो क्या लगता है स्लम एरिया में रहने वाली महिलाएं क्या एक दिन के जागरूक करने से इतनी जागरूक हो जाएंगी कि वो हर महीने सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना शुरू कर दे? अब हमें शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। अब जब तक उन्होंने यूज़ नहीं किया था उनको उसके पॉजिटिव पॉइंट्स का पता ही नहीं था, अब वो यूज़ करेंगे तो उन्हें लगेगा कि ठीक है इसमें ये हो रहा है, और फिर लाइक और भी मतलब ये इतनी महंगी चीज़ नहीं है कि कोई ख़रीद नहीं सकता या कुछ, और ये बहुत ईजिली हर जगह मिल जाती है, तो एक शुरुआत हमें करनी थी, वो हमने कर दिया, वो आगे वो करेंगे और हम और भी ये चीज़ बार बार करते रहेंगे, जिससे आगे भी और अवेयरनेस और लोगों को जागरूकता हो और मतलब ये और जितना ज़्यादा स्प्रेड हो, बिकॉज जो इन्फेक्शन और ये सब जो आजकल लेडीज़ में बेसिकली रूरल एरियाज़ में जो दिखने को मिलता है वो इसी वजह से है कि अवेयरनेस नहीं है, और एक दूसरा कि वो बात नहीं करना चाहते इसके बारे में, तो ये दोनों चीज़ें हम यही हम यहाँ पर जागरूकता और अवेयरनेस यही हम यहाँ बढ़ाने आए थे। कई बार ऐसा होता है कि जैसा कि अभी आपने आपके ही साथी ने बताया कि आज तो चलो आप लोगों ने फ्री में सैनिटरी पैड्स बांट दिए, क्या जब कभी भी आप लोग आयोजन करेंगे तो हर बार जितनी भी महिलाएं आएंगी सभी को फ्री में सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे, चाहे महीने में दो बार हो आपका आयोजन या महीने में तीन बार आयोजन हो अलग अलग जगह पर, तो क्या आप हर बार ऐसे ही मुफ्त में चीज़ें बांटती रहेंगी? हम कोशिश तो करेंगे कि हम हर बार जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ पहुँच सकते हैं वहाँ हम पहुँच पाएँ, पर हमें लगता है कि हम एक बार जब शुरुआत कर रहे हैं तो वो भी देखेंगे क्या इसकी अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं, और उन अच्छी चीज़ों की वजह से वो खुद भी ज़्यादा अवेयर होंगे कि हम भी जाके ख़रीदें, हम भी आगे बढ़े, हम अपनी बेटियों को ये चीज़ें सिखाएं, तो हम बुरी चीज तरीके बड़ी बुरी साइड से तो नहीं देख सकते हर टाइम, हम इसे अच्छी तरीके देख सकेंगे इसकी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी कई ऐसी नई लड़कियाँ होंगी जिनको फर्स्ट टाइम पीरियड होने वाला होगा या हुआ होगा, तो ऐसी लड़कियों को जो ग्रामीण एरिया में रहती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं और फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ों को फेस कर रही है, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले माँ को एजुकेटेड होना चाहिए, और जैसे कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं पूरे संगम विहार में कर रहे हैं, मैंने शायद 25 से 30 प्रोग्राम किए हैं संगम विहार में, और हमारे पास जितनी भी रिक्वेस्ट आती है कि हमारे यहाँ करवा दो हम वहाँ करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चियों को ज़्यादा इन्वॉल्व करें, क्योंकि उनको पता नहीं होता, वो रास्ते में आ रही होती है जा रही होती है उन्हें डर लगता है अचानक से क्या हो गया, तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल में सेशंस प्रोवाइड करवाएं, और हो भी रहे बहुत सारे स्कूल में महिला पंच के ऐसे आई थिंक ऐसा कुछ नाम के से चल रहा है, तो मैक्सिमम बच्चियों तक हमारा मैसेज पहुंच रहा है, और बहुत सारी बच्चियों को मैंने हाथ ऊपर उठाकर भी पूछा है यहाँ पे, तो उनको पता था कि पीरियड्स में क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, पता था उन्हें। एक और चीज़ एक और जानकारी मैं लेना चाहूँगी, आप ही बता दीजिए मुझे कि महिलाएं जो बोलती हैं वो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कितना दिन का गैप होना चाहिए, कितने दिनों का गैप होना चाहिए एक लेडी का या एक जो लड़की है जिनको फर्स्ट टाइम हो रहा है पीरियड उनके दूसरे सेशन में कितना गैप होना चाहिए अगर, और कितना गैप सही होता है? मेरे हिसाब से तो आई थिंक एक महीने 28 डेज का होता है, कि हम इतना मानते हैं कि 28 से 30 दिन के अंदर हो जाए, 28 से 30 दिन के अंदर अगला आ जाना चाहिए, तो इतना सही रहता है मेरे हिसाब से। अगर इससे कम होता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 25 से आप मुझे बता दीजिए, अगर इससे कम डेट में जैसा कि इन्होंने कहा कि 28 से 30 दिन के बीच में हो जाना चाहिए, से 30 के बीच में हमारा नॉर्मल डे मानते हैं कि अगर आपको 20 से 30 के बीच में हो रहा है तो वो नॉर्मल है, 20 से पहले हो रहा है तो उसमें भी दिक्कत है, और आपका 30 के बाद या 32 के बाद हो रहा है तो उसमें भी दिक्कत है। आप लोग मुझे बताइए कि
अगर ऐसे में पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है नई लड़कियों को जो फर्स्ट टाइम हो रही हैं, सेकंड टाइम हो रही हैं, उनकी एज कम होती है, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और ऐसे में उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, तो ऐसे में क्या दवाइयाँ लेना सही है? कई बार ऐसी माएँ होती हैं जो दवाइयाँ सजेस्ट कर देती हैं क्योंकि वो पेन में नहीं देख सकती ना, तो वो दवाइयाँ सजेस्ट कर देती है, तो क्या दवाइयाँ लेना सही है? अगर बहुत दर्द हो रहा हो तो कभी कभार ले सकते हैं दवाइयाँ, नहीं तो फिर हम गर्म सेक कर सकते हैं और या फिर टैबलेट्स ले सकते हैं। या ये दवाइयाँ डॉक्टर के सजेशन से होनी चाहिए या अपनी मर्जी से कोई भी पेन किलर ले सकते हैं? जी ये हमेशा हमें मान के लेना चाहिए कि डॉक्टर को पता है, उन्होंने इस बारे में पढ़ा है, उनको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दर्द अगर हो रही है तो आप जाइए अपने डॉक्टर के पास, वो आपको सही दवा देंगे, वो आपको बताएंगे कि कब लेनी है कब नहीं लेनी है, किस कंडीशन में लेनी है। तो हाँ, आप दवाइयाँ लें, ज़रूर लें, बट हमेशा डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको दवाइयों के अलावा भी और ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनसे आपको सुकून मिलेगा जो आप शायद ना खुद सोच पाए। सो ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ज़्यादा तकलीफ होने की स्थिति में आप पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन वो भी डॉक्टर के सजेशन से होना चाहिए। और IFMS के स्टूडेंट्स की तरफ से ऐसे जो आयोजन है वो लगातार किए जाएंगे, हर एरिया में जाकर किए जाएंगे ताकि सभी लोगों को जागरूक किया जा सके, सभी लोगों को ये बताया जा सके कि ऐसे दिनों में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और कपड़े का इस्तेमाल कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है महामारी के दिनों में। ये कई महिलाओं को पता है फिर भी वो नहीं करती हैं, ऐसा उनको अवॉइड नहीं करती हैं, सैनिटरी पैड्स खरीदती नहीं है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा वेस्ट करना है ये, और अगर सैनिटरी पैड्स में हर महीने नहीं भी कुछ तो 50 रुपीज़ वेस्ट हो जाते हैं, तो 50 रुपीज़ वेस्ट क्यों करना, उसे बचाना है और कोई भी ऐसी कॉटन कपड़ा यूज़ कर लो। तो इस वजह से भी वो अक्सर ऐसे काम करती हैं कि वो महामारी के दिनों में कपड़े का इस्तेमाल तो कर लेती हैं, गंदा कपड़ा हो अच्छा कपड़ा हो वो ये नहीं देखती हैं, बस कपड़े का इस्तेमाल कर लेती हैं लेकिन पैड्स नहीं खरीदती हैं, जिसकी वजह से आज IMFS के स्टूडेंट्स की तरफ से आज ये किया गया है। हाँ जी बताइए, कुछ कह रही हैं आप? और आज हमारा कोलैबोरेशन था यूनिचार्म सोफी के साथ, जिन्होंने हमें 90,000 यूनिट्स दिए हैं, उन्होंने हमें पूरा कॉन्ट्रीब्यूट किया है इस इवेंट में, हमने ऑर्गेनाइज कराया था ये इवेंट, थैंक यू, बस यही बोलना चाहूँगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो ये आयोजन था, आज जो महिलाएं यहाँ पर शामिल हुई इस आयोजन में, जिन सबको पीरियड्स के दिनों में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और किस तरीके से पैड का इस्तेमाल होना चाहिए, पैड यूज़ करना कितना ज़रूरी है, जिसके बारे में आज सभी महिलाओं को समझाया गया है, वो उनके समझ में आया होगा, वो उनको यूज़ करेंगी और हर महीने उन चीज़ जो महामारी के दिनों में तकलीफ़ें होती हैं उससे बचने के लिए जो उपाय यहाँ पर बताए गए हैं उन उपायों को फॉलो करेंगी, कपड़े को अवॉइड करेंगी। कैमरामैन हफीज़ के साथ मैं नमिता चौहान, NCR समाचार, दिल्ली।